हैंडल बार की वजह से भी और सीट की वजह से भी। यहाँ पे ये वाला जो कर्व आप लोग देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा राइडर को ये फ्रंट में फॉरवर्ड लीन करवाता है जान के सीट की वजह से। ना ही यहाँ पे राइडिंग मोड्स हैं, ना ही बीटी कनेक्टिविटी V3 में आप लोगों को मिलने वाली है। और एक और मेजर चेंज दोनों ही बाइक्स में, रोड पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है ना बाइक का, उस पर भी ये चीज़ निर्भर करती है। यहाँ पे क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड कंपनी से आप लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से प्राइस में ऑब्वियस है चेंज रहेगा। प्राइसिंग की वजह से भी ना इसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 23,000 के अराउंड डिफरेंस आ जाएगा वाइट और R15S में। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है कंपैरिजन वीडियो। आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं R15 सीरीज के बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट को, यानी कि V4 वर्सेस V3। सारी डिटेल एक ही वीडियो में आप लोगों को दोनों ही बाइक से रिलेटेड मिल जाएगी। प्राइसिंग में एक मेजर डिफरेंस है, दोनों में ही लगभग 17,000 रुपये महंगी हो जाती है आपकी V4। V4 के सारे ही कलर ऑप्शन भी वीडियो में आगे चल के आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ R15 सीरीज भी अपने पास अभी कंप्लीट अवेलेबल है, M भी है, V3 भी और V4 भी है। सो इस टाइप से टोटल 3 वेरियंट्स या फिर 3 बाइक्स हो जाती है R15 सीरीज में, V4, S एंड M। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो सारी डिटेल में अपन लोग बात करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखना अगर परचेजिंग करने का मूड है। ये बाइक्स ना काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होती है। बेस्ट पार्ट R15 सीरीज़ की जो हो जाती है ना, वो रहती है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़। R15 सीरीज़ भी, MT सीरीज़ भी, एरोक्स भी, काफ़ी कुछ आफ्टर मार्केट में एक्सेसरीज़ अच्छी क्वालिटी के आप लोगों को यहाँ पे सेटअप मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, अपने सीक्वेंस के साथ चलते हैं। तो पहले अपन लोग कवर करने वाले हैं लाइटिंग सेटअप, फिर आते हैं टायर्स पे, ब्रेकिंग, सीट हाइट, फ्यूल टैंक, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इग्निशन के साथ। सो कि अपना सेम दोनों ही बाइक्स में रहेगा स्टार्टअप आपको कुछ इस टाइप से। तो इग्निशन ऑन हो चुका है V4 का। V4 में इस टाइप से LED DRL आपके ऑन रहेंगे इग्निशन के साथ। लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन में यहां पर आप लोगों को मिलेगा हेलोजन प्लस LED। सो LED DRL है, LED में ही हेडलैम्प है विथ प्रोजेक्टर। डिसेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाइटिंग का थ्रो भी हो जाता है। फ्रंट में R15 का स्टाइप से स्टिकर बन जाता है। फ्रंट लुक भी प्रॉपर चेंज हो जाता है दोनों ही बाइक्स में। इस टाइप से कुछ अपना बनता है V4 का। अब आते हैं V3। इस बाइक की भैया नेक्स्ट लेवल फैन फॉलोइंग आप लोगों में रहती है। हालांकि ये बेस वेरिएंट है, कलर ऑप्शन कम आते हैं, बट फिर भी इसकी जो एक पब्लिक दीवानी है ना, वो इसके साथ भैया बिल्कुल लॉयल है। इसकी फैन फॉलोइंग कभी भी कम नहीं होती। इग्निशन ऑन है, इस टाइप से साइड वाले कंपार्टमेंट आपके ऑन रहेंगे हेडलैम्प के। सेंटर में जैसा कि वहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाला, यहाँ पे आप लोगों को फेक एयरवेंट वाला लुक मिलेगा। ये अंदर से प्रॉपर कवर्ड है। सो हेडलैम्प अपना प्रॉपर यही रहने वाला है। LED में हेडलैम्प है, हेलोजन में आपको मिल जाता है इंडिकेटर का सेटअप सेम एज V4। बट V4 में आपको हजार्ड भी देखने को मिल जाएगा जो कि अभी ऑन है, बट V3 में हजार्ड ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलने वाला। R15 V4 की तरह फ्रंट स्टिकर में यहाँ पर आप लोगों को R15S की प्रॉपर मार्किंग देखने को मिल जाने वाली। और लुक भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंगल फ्रेम में। अगला पॉइंट कवर करते हैं जो कि रहने वाला है जी टायर का सेटअप। सो टायर्स यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर सेम है, पैटर्न भी, ग्रेडिंग भी, उसी के साथ साथ ब्रेकिंग सेटअप भी, इंजन भी, दोनों ही बाइक में आप लोगों को सेम मिल जाता है। तो पहले एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को सेम है, ताकि वीडियो थोड़ा सा और कनेक्टिंग आप लोगों के लिए हो जाए। सो फ्रंट रियर टायर सेम है, ब्रेकिंग सेम है दोनों ही बाइक्स में, इंजन आप लोगों को सेम ही मिलने वाला है, वही 155cc का इंजन दोनों ही बाइक्स में सेम मिल जाता है। वेट भी दोनों का सेम है, 141 kg। अब आ जाते हैं टायर पे। तो टायर का पैटर्न ये रहा V4 का एंड ये रहा अपना V3 का। ब्रेकिंग भी सेम है, बाइब्री फ्रंट और निसिन रियर, 282mm का फ्रंट में डिस्क आपको मिल जाता है। ये रहा इस टाइप से डिस्क का शेप, ड्यूल चैनल ABS, बाइब्री की ब्रेकिंग फ्रंट है, निसिन रियर आपको रहने वाली है। फ्रंट टायर अपना हो ही चुका है, 100 सेक्शन का अपना फ्रंट टायर है। अभी ग्रेडिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ, रियर टायर देखते हैं तो 140 सेक्शन का आपका रियर टायर है। पैटर्न अपना कुछ इस टाइप से है, टायर हगर ड्यूल पार्ट में, ये चीज़ दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को सेम रहेगी। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, रियर ब्रेकिंग निसिन के साथ और 220mm का रियर डिस्क का साइज आपका रहने वाला है। MRF का ही टायर है, ट्यूबलेस, ये अपना प्रॉपर सेटअप रहेगा। रियर टायर की ग्रेडिंग 140/70/17, ये अपना सेटअप रहेगा। एग्जॉस्ट भी शेप प्रॉपर पर्टिकुलर सेम है, तो सेम ही स्टार्टअप रहता है, सेम ही एग्जॉस्ट नोट दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को मिल जाता है। अब एक बार क्विकली आप लोगों को V3 का भी दिखा देते हैं। V3 में टायर का पैटर्न वही अपना सेम, टायर हगर, मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दोनों ही बाइक्स में, ये भी सेम रहेगा मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ। और ये रहा अपना ग्रेडिंग 140/70/17, 220mm डिस्क, निसिन ब्रेकिंग, रियर लाइटिंग, ये अपना ऑन होने के बाद लुक प्रॉपर सेम है। अब यहाँ पे आ जाता है दोनों ही बाइक्स में डिफरेंस, ये वाला कर्व देख रहे हो, बिल्कुल एक ना छोटी छोटी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ।
ये वाला कर्व आप लोग देख रहे हो रियर फेयरिंग V3 की। अब ये वाला चीज़ आप लोग देख सकते हो रियर फेयरिंग V4 की। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू V3। और मेजर डिफरेंस जो कि दोनों ही बाइक्स में रहता है वो है सीट का सेटअप। तो सिंगल सीट आपको मिलती है V3 में, V4 में हो जाता है ये स्प्लिट सीट। यहाँ पे आ जाता है की होल सीट ओपन करने के लिए। कुशनिंग दोनों ही बाइक की आप लोगों को सेम ही दोनों में देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ जिसके लिए मैं साइड में आ रहा हूँ ना, वो रहता है एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर। किसका ज़्यादा है, अब कई लोगों का रहता है कि यार सेम ही तो है ना, लुक भी सेम है, इंजन भी सेम है, काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, तो राइडिंग पोस्चर में क्या ही डिफरेंस आ जाता है। भैया काफ़ी लंबा चौड़ा डिफरेंस यहाँ पर राइडिंग पोस्चर में इन दोनों ही बाइक्स में मिलने वाला है, तो हैंडल बार की वजह से भी और सीट की वजह से भी। यहाँ पे ये वाला जो कर्व आप लोग देख रहे हो ना, तो थोड़ा सा राइडर को ये फ्रंट में फॉरवर्ड लीन करवाता है, जान के सीट की वजह से भी आप लोग ज़्यादा जाओगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली ना फ्लैट सीट मिलती है V3 के कंपैरिजन में। सो ये सिंगल फ्रेम में आप लोग देख लो ये फ्लैट है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ लीन हो जाता है, ये एक मेजर रीज़न रहता है। उसके बाद अगला रीज़न हैंडल बार की वजह से रहता है ना, तो हैंडल बार यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो ये स्टैंडिंग वाले पार्ट में आता है V4 में, ये देखो जो कि रहता है V3 में, ये अपना हो जाता है इसी के प्रॉपर लाइन में। सो काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस भैया बन जाता है V3 में और V4 के राइडिंग पोस्चर में भी। V3 का राइड रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग और ज़्यादा रिलेट कर सकते हो राइड रिव्यू में कि किस टाइप से प्रॉपर सीटिंग पोजिशन एग्रेसिव यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में मिलने वाला है। सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट हाइट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 mm के अराउंड डिफरेंस दोनों ही बाइक्स में मिलेगा, 815 mm ही है, बट थोड़ा सा वो पोस्चर की वजह से थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा फील आपको हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बैठ के देखा है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली V3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी मुझे फील हुआ V4 में। ये हो जाता है अगला पॉइंट लेते हैं जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ये चीज़ आपको प्रॉपर सेम ही रहेगा, बट फ्यूल टैंक के शेप में चेंज आ जाता है जो कि इसकी कवरिंग रहती है ना। सो V4 में ये थोड़ा सा यहाँ पर स्टैंडिंग वाला पार्ट ऐड होगा एज़ कम्पेयर टू V3। शेप ये आप लोग देख सकते हो, यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट अपने को मिलता है BT कनेक्टिविटी V4 में ही, V3 में BT कनेक्टिविटी नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें चेंज है यहाँ पे, MID से रिलेटेड राइडिंग मोड्स वगैरह उस पर अपन लोग आते हैं। तो 11 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, फ्यूल कैप आपका सेम ही रहेगा, E20 का स्टिकर, वार्निंग स्टिकर, यामा का यहाँ पर मिलता है क्रोम वाला स्टिकर, फिंच वाला पार्ट आ ही जाता है। तो ये हो जाता है अपना V4 का कंप्लीट। अब आते हैं V3 पे, तो V3 में पहले तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो जो शेप मैं कह रहा हूँ ना डिफरेंट है, तो ये फ्रंट से शेप आपका चेंज हो जाता है, फिंच वाला पार्ट, R15S का स्टिकर, फ्यूल कैप सेम, जेल वाला लोगो मिलता है V3 में। सो ये चीज़ एक चेंज हो जाती है, E20 और वार्निंग स्टिकर सेम वही 11 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको V3 में भी रहने वाला है। हैंडल बार अपना हुई या शेप ये आप लोग देख सकते हो क्लिप ऑन हैंडल बार का किस टाइप से बनता है, MID भी चेंज है जिस पे कि अपना अगला पॉइंट रहने वाला है। ये रहा आपका हैंडल बार का सेटअप V4 का, जो कि थोड़ा बहुत एक माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। अब अपन लोग बात करते हैं MID की ही, जहाँ पे मेजर एक डिफरेंस है। यहाँ पे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, BT कनेक्टिविटी V4 में आप लोगों को मिल जाती है, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड है, प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल मिल जाता है, वो भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ हो जाती है। स्विचेस देखते हैं उससे पहले, तो दोनों में ही स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको कॉमन ही रहेगा V4 में भी और V3 में भी। काफ़ी स्मूथ क्लच का फील यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, इस टाइप से रबर कवरिंग यहाँ आ जाती है, हाई बीम लो बीम प्लस पास, एक स्विच 3-in-1 इंडिकेटर, ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न है जो कि काफ़ी अच्छा फील आता है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर इस टाइप से आ जाएगा, हज़ार्ड का स्विच अपना ये रहा, और एक स्विच है ट्रिप एंड इन्फो वाला जो कि MID से रिलेटेड रहने वाला है। की का शेप दोनों में ही सेम, इग्निशन भी रेगुलर जगह पे ही रहेगा। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, ये अपना MID स्टार्ट हो चुका है V4 का, दोनों ही साइड सारी वार्निंग लाइट्स है। यामा का लोगो भी यहाँ पर आप लोगों को इल्यूमिनेशन वाला मिलेगा, बाकी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है, गियर इंडिकेटर है, स्ट्रीट मोड पे अभी बाइक है तो वो आपका हाईलाइट हो रहा है, टैकोमीटर यानी कि RPM मीटर ये रहा, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर अभी शो हो रहा है, और ये अपने लोग चेंज कर सकते हो ट्रैक और स्ट्रीट के बीच, क्लॉक आ जाता है, प्लस ये है अपना फ्यूल गेज। अब चेंजेस करने के लिए ये वाला स्विच अपना वर्किंग रहेगा, सो चेंज करके देखते हैं क्या कुछ मिलता है। पर 100 किलोमीटर एवरेज पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग एवरेज रियल टाइम TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि अभी ऑन पे शो हो रहा है, इसी स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा। बैटरी वोल्टेज और कूलेंट टेम्परेचर, ट्रैक मोड अगेन वही आ चुका है, ऑडोमीटर अपर विंडो में ट्रिप वन ट्रिप टू ट्रिप एफ, तीन चार चीज़ें आप लोगों को अपर विंडो में देखने को मिलेगी। सो ये हो जाता है आपका V4। अब आते हैं अपन लोग
V3 पे, जो आप लोगों की सबकी चहेती V3 पे। और हाँ, ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा अपने पास MT का मॉन्स्टर एनर्जी भी, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। बातें सेम की का शेप V3 में भी, MT में भी यही रहता है। स्टार्टअप अपना कुछ इस टाइप से बनेगा, हाई बॉडी, वही हाई हार्ट बीट टाइप, रेवोल्यूमीटर की लाइट भी रहेगी। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ भी है, हाई बीम लो बीम प्लस पास इंडिकेटर, ड्यूल बजर में ही सेम हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच है, देन अपना स्टार्टअप आ जाता है। तो स्विचेस सेटअप में भी एक डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलेगा। आप देखते हैं MID में क्या कुछ है। V3 के तो गियर इंडिकेटर यहाँ भी है, टैकोमीटर भी है, ट्रिप एफ अभी जो हो रहा है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यामा का लोगो नहीं सॉरी ब्रांडिंग, स्विचेस, दो स्विच मिल जाते हैं। चेंजेस करके देखते हैं तो ये आप लोगों को अब ज़्यादा विजिबल रहेगा। ट्रिप एफ आ रहा है, क्लॉक आ जाता है, किलोमीटर पर लीटर, 100 किलोमीटर बाइक ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, उसी के साथ साथ एवरेज आ जाता है, ये रियल टाइम एवरेज है। ऑडोमीटर है और ट्रिप वन है, ना ही यहाँ पे राइडिंग मोड्स हैं, ना ही BT कनेक्टिविटी V3 में आप लोगों को मिलने वाली है। और एक और मेजर चेंज दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को, जो कई लोग सिमिलर बताते हैं ना, जैसे छोटा छोटा चीज़ें, यहाँ पे डिफरेंस था ना फेयरिंग पे V4 की और इसमें S में, यहाँ पे ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ये जो कर्व है ना विंडस्क्रीन वाला, ये आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा ये ब्रॉड है ना, जिसकी वजह से फ्रंट लुक थोड़ा सा एक ब्रॉड फील होता है। यहाँ चेंज करते हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ चेंज रहने वाली है। ये वाला कर्व है ना, ये मोर सर्कुलर आप लोगों को फील होगा, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट लुक फ्रंट में आ जाता है। और एक डिज़ाइन पे भी, रोड पे जो परफॉर्मेंस निकल के आता है ना बाइक का, उस पे भी ये चीज़ निर्भर करती है। बाकी आफ्टर मार्केट आप लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे आफ्टर मार्केट में मिल जाती है, विंडस्क्रीन भी, रियर व्यू मिरर भी, लाइटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें लगवा सकते हो, प्लस गार्ड्स भी काफ़ी सारे आप लोगों को R15 सीरीज़ के मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जी, क्या कुछ वेरिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बता ही दिया था। R15 V4 हो जाता है अपना मिड वेरिएंट, R15 S हो जाता है अपना बेस वेरिएंट, और R15 M जो कि रहता है टॉप एंड वेरिएंट। अब आते हैं अगला पॉइंट, जो कि रहता है सबसे ज़रूरी इंजन स्पेसिफिकेशंस। पहले तो फेयरिंग का शेप, यहाँ पे आप लोग V4 का देख सकते हो, यहाँ पे चेंज रहेगा, जो ये एरियाज हैं ये भी चेंज रहेगा, ये क्रीज लाइन से ये भी दोनों ही बाइक्स में आप लोगों को चेंज है। सो ये चीज़ आप लोगों को अभी देखने को मिल जाएगा। कलर का नाम है ब्लूइश वाइट को, जो कि ये प्रॉपर वाइट कलर का नाम रहने वाला है। इंजन की बात करते हैं तो 155 cc का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, 6 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ। पावर भी सेम है, गेयरबॉक्स भी सेम है, इंजन भी सेम है। 18.4 HP एंड 14.2 NM टोटल आपका टॉर्क करने वाला है। 141 kg टोटल आपका वेट रहेगा R15 का। सो इस टाइप से कुछ शेप है अपना V4 का, और इस टाइप से कुछ अपना शेप बनता है R15 S का। स्टिकरिंग आप लोग देख सकते हो, VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ABS ड्यूल चैनल, R15 S वर्जन 3 और यामा, इस टाइप से ये प्रॉपर आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। अब कलर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, जो कि एक नेगेटिव मैं कंसिडर करूँगा V3 के साथ। सो V4 में टोटल 4 कलर अवेलेबल रहते हैं, चारों ही अभी अपने पास अवेलेबल है, और V3 में टोटल 2 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। दोनों ही कलर ऑप्शन में फ्रंट मडगार्ड आपका रहेगा मैट ब्लैक में ही, ये है अपने पास मैट ब्लैक। और सेकंड कलर ऑप्शन हो जाता है, जो कि रहता है रेसिंग ब्लू, सेम यही शेड रहेगा, जो कि MT में भी आता है, एरोक्स में भी आता है, और V4 के ब्लू कलर में भी यही शेड मिलता है। तो इसी शेड में आप लोगों को V3 भी मिल जाने वाली है, काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छा शेड है ये V4 में भी। V4 ब्लू का भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ जाने वाला है। सो इस टाइप से टोटल 4 कलर ऑप्शन V4, टोटल 2 कलर ऑप्शन आपका रहता है R15 S में। अब बात करते हैं सबसे मेजर प्राइजिंग की, इंजन हो चुका ना, अब जो मेजर चीज़ रहती है वो रहता है प्राइजिंग, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कितना डिफरेंस है। तो V4 में कलर्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्राइजिंग में डिफरेंस देखने को मिलेगा। रेड कलर जो कि रहता है 2,22,000 रुपये स्टार्टिंग, प्लस मैट ब्लैक का भी वही प्राइस रहेगा 2.22 ऑन रोड जयपुर। रेसिंग ब्लू जो कि अभी आप लोगों ने देखा, और वाइट कलर ऑप्शन, यहाँ पे क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड कंपनी से आप लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से प्राइस में ऑब्वियस है चेंज रहेगा। सो 2.28 2,28,000 ऑन रोड जयपुर रहेगा आपका, वाइट वाला और ब्लू वाला। इस टाइप से ये अपना 2,22,000 और 2,28,000 ये अपनी प्राइसिंग हो जाती है V4 की R15 S, जिस वजह से इस बाइक की प्राइसिंग की वजह से भी ना इसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो 2,05,000 2.05 ऑन रोड जयपुर, ये आपकी प्राइसिंग रहेगी R15 S की। सो अब अगर अपन 2.22 से भी देखा जाए तो 17,000, और 2,28,000 से देखा जाए तो देख सकते हो आप लोग कितना डिफरेंस आ जाता है, लगभग 23,000 के अराउंड डिफरेंस आ जाएगा वाइट और R15 S में। एक और मेजर चीज़ जो कि अपने मिस आउट हो गई थी वो है सस्पेंशन सेटअप। सस्पेंशन V4 में आपको मिल जाता है अपसाइड डाउन थिकनेस, आप लोग देख सकते हो, बट इससे ज़्यादा थिकनेस V3 की आप लोगों को मिलती है। तो अपसाइड डाउन अपने को मिलता है V4 के सभी कलर ऑप्शंस में, बट
टेलीस्कोपिक अपने को मिलेगा V3 में, और रेडिएटर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिसका कि साइज़ प्रॉपर सेम है। सो टेलीस्कोपिक इन V3 और अपसाइड डाउन इन V4। सो ये हो जाता है जी अपना सारी डिटेल कंप्लीट, कौन सी बाइक आप लोग लेना प्रेफर करोगे, V4, V3 या फिर M। सो वो आप लोगों की चॉइस रहेगी और आपके बजट पे चीज़ डिपेंड करेगी। बाकी सारा कुछ सेटअप यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, काफ़ी रिलायबल भी है, प्लस रीसेल किंग भी है बाइक्स, अपनी पूरी R15 सीरीज़ भी, MT सीरीज़ भी हो जाती है। सो करते जी अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलता है अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। दोनों में से कौन सी चॉइस आपकी रहेगी कमेंट में मुझे ज़रूर से ऑप्शन अपना बताना। करते अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं इसी के नेक्स्ट डे। तब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।